अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आकिब रसूल। आज मैं EHT के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या आपको पता है EHT टेलीविज़न में क्या काम करता है? EHT एक किस्म का ट्रांसफार्म ही होता है। EHT में भी इनपुट और आउटपुट होता है। ट्रांसफार्म में जैसा प्राइमरी और सेकेंडरी साइड होता है, EHT में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। EHT में 110 से 130 वोल्टेज तक होता है। EHT से तीन वायर निकलते हैं। एक जो मोटा वायर होता है वो पिक्चर ट्यूब में बूस्टिंग वोल्टेज का काम करता है, और उससे भी थोड़ा पतला CRT बेस में फोकस का काम करता है, और उससे भी थोड़ा पतला स्क्रीन कंट्रोल में यानी CRT बेस का G2 पॉइंट में जाता है। EHT में कनेक्टर पिन्स किसी में ज़्यादा होते हैं और किसी में कम होता है। ये डिपेंड सर्किट पे करता है। EHT में DC करंट इनपुट होता है। जैसे ही DC करंट इनपुट होता है, आउटपुट ट्रांसफर EHT को स्विचिंग करने लगता है। EHT को स्विचिंग मिलते ही EHT से वोल्टेजेस निकलते हैं। उसके बाद EHT से AC और DC वोल्टेजेस निकलते हैं। EHT कॉइल में तीन वायर्स निकलते हैं। मोटा वाला पिन बूस्टिंग का काम करता है, जिससे DC 10,000 वोल्टेज निकलता है। उससे जो पतला वाला है वहाँ से DC 1,000 वोल्टेज निकलता है, और उससे भी जो थोड़ा पतला होता है उससे DC 100 वोल्टेज तक निकलते हैं। EHT में फोकस और स्क्रीन का नॉब होता है, जिसे हम स्क्रीन और फोकस को एडजस्ट करते हैं।